नाम लेक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। जोशीमठ पुलिस की बड़ी कामयाबी, पुलिस ने दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कर्णप्रयाग और जोशीमठ में दिया था चोरी की घटना को अंजाम। बता दें कि 17 सितंबर को चोरों ने कर्णप्रयाग बाजार में चोरी को अंजाम देने के बाद 18 सितंबर को जोशीमठ में चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद जोशीमठ और कर्णप्रयाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर 22 सितंबर देर रात तपोवन से दो व्यक्तियों देवेंद्र 19 वर्षीय निवासी भंगियूल और संजय उम्र 18 वर्षीय निवासी रिंगी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जोशीमठ कोतवाल प्रभारी निरीक्षक विजय भारती का कहना है कि दोनों व्यक्तियों ने पहले कर्णप्रयाग में 8 से 10 दुकानों पर ताले तोड़कर सामान चोरी करने के बाद दूसरे दिन जोशीमठ में देर रात तक एक दुकान का शटर तोड़कर कुछ जोड़ी जूते और गल्ले से कुछ रुपए चोरी किए, जिसके बाद उप निरीक्षक विनोद रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मुखबिर की सूचना पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ पर दोनों ने चोरी करने की बात कबूल कर ली है। जोशीमठ क्षेत्र में 17-18 की रात्रि में चोरी की घटना घटित हुई थी अज्ञात चोरों द्वारा, जिस संबंध में जो दुकान स्वामी है रतन अरुण के द्वारा फायर कराई गई। इसमें हमारे उप निरीक्षक विनोद सिंह तफ्तीश कर रहे थे और जिसमें कर्णप्रयाग से भी चोरी होना पाया गया, जो चोरी घटना होना पाया गया था, तो इसमें संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही थी, जिसमें कल मुखबिर की सूचना पे दो शातिर चोर जो एक रिंगी का है और एक तपोवन का ही है वो पकड़े गए और उनसे चोरी का माल कर्णप्रयाग क्षेत्र में जो चोरी हुई थी उसका माल और जोशीमठ क्षेत्र में जो भी चोरी का माल बरामद हुआ है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।